लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जहां बीजेपी सरकार अधिकारियों पर कड़े एक्शन ले रही है और समाधान शिविर के जरिए आम जनता की परेशानियों को सुनकर और उन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों को आदेश दे चुकी है, इसके बावजूद भी सोनीपत के गांव मुकीनपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने अधिकारियों के दावों की एक बार फिर पोल खोल दी है। इस बार कोई ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर नहीं बल्कि ग्रामीणों द्वारा चुना गया जन प्रतिनिधि अनोखे तरीके से धरने पर बैठा है। जी हाँ, टॉवर पर चढ़ा ये व्यक्ति वार्ड नंबर 22 से ब्लॉक समिति की मेंबर प्रवीण के पति राजेश हैं, जो गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से काफी परेशान हैं। डेढ़ साल के लगभग हो गए पंचायत बने और गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है, पता नहीं लग रहा है वो पैसा आ रहा है कागजा में कहाँ कहाँ नहीं। मेरे गाँव में हरा भरा पार्क था, बिल्कुल वो उजड़ गया, उसमें आज मिट्टी की धूल उड़न लग रही है। एक ये जोड़ है, ये बारिश की, अभी बारिश चालू हो जाएगी तो गांव में पानी घुस जाएगा, लड़कियां दूसरे गांव में पढ़ने जाती, मेरे गांव की थी, इतने गंदे पानी में लेटरिन का पेशाब का भैंसा का मूत वो इसमें जाता है, वो पूरे रोड पर खड़ा हो जाता है। और 10 दिन से मैं सबके पास घूम रहा हूँ, ऐसी कोई जगह बाकी नहीं जी, मैंने अप्लीकेशन नहीं दी और रिक्वेस्ट नहीं करा वो अगर जी महाराज ये करा दो। हालांकि ये बोल रहे हैं ग्रांट भी आ चुकी है तुम्हारी, लेकिन ग्रांट आने के बाद भी मेरे गांव में कोई विकास कार्य नहीं चल रहा। कब टावर पर चढ़े, कितने घंटे बाद उतरे? गांव टावर पर चढ़ा था जी मैं करीब 6 बजे के आसपास, और अभी आप देख लो अभी उतरे हूं। 5-4 घंटे। हाँ, क्या रास्ता ही क्यों अपनाया ऊपर आपके साथ? और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जी, हादसा हादसे की कोई दिक्कत नहीं है, इससे बड़ा हादसा और क्या होगा जो आप झेल रहे हैं। गाँव ने मेरे को 1200-1300 वोटे दे गए, मेरे पर विश्वास जताया, मैं बनाया विकास, गाँव के विकास के कार्य के लिए बनाया था, तो मैंने गांव से अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जी, गांव का विकास प्यारा है। सरपंच भी है आपको, 3-4 गांव का भार है, सरपंच कहाँ है? सरपंच के तालमेल नहीं है। सरपंच और जिला परिषद वाले तो वे तो अपने सुबह निकल जाए हैं जी, पूरा दिन गांव में मैं रहता हूँ और सब की मन ने सुननी पड़े हैं जी। ये बोलते हैं कि गाँव में जिला परिषद भी है, ब्लॉक समिति भी है, सरपंच भी है, कहीं डूब गए मर जाओ पूरी गाँव की, पूरे तुम्हारे पूरे गाँव में चौधर आ रही है और कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। सरकार लगातार कह रही कि हम तो समस्या समाधान करते हैं, दरबार खुले मुख्यमंत्री लगातार, तो इसीलिए तो सरकार तो या तो मुंह जुबानी है जी या कागजा में है। ये विकास आओ मेरे साथ बुलाओ, मैं गांव में दिखाता हूँ। बीडीपीओ आए, उनका कहना ये है कि मशीन चालू हो जाएगी, तो बीडीपीओ के आश्वासन पर ही मैं उतर आऊँ जी, अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो यही टावर है जी, यही शरीर है, यही गाँव है। हाँ जी बिल, अब की बार तो उतरूंगा नहीं जी, चढ़ गया तो या तो ये मशीन लगी तो ठीक है जी, नहीं तो मेरी ऊपर से ये मान लो जी आप डेड बॉडी ही जाएगी जी गांव से उठ कर, ये मेरा कति पर्ण है जी। मेरे पति को ये दिक्कत है कि जी गांव में जोड़ का काम नहीं हो रहा जी, सारे का अप्लीकेशन लगा लीजिए डीसी को जी, और जी ऊपर भी भेज लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हो जी, नहीं सरपंच काम कर रहा जी, नहीं 17 का माड़ा काम कर रहा जी, ना को सुनवाई कर रहे कोई भी। आप किस पोस्ट पे हैं? मैं जी वार्ड नंबर 22 है जी, ब्लॉक समिति की हूँ जी, मेंबर हैं। हाँ जी। तो फिर अधिकारी क्या कह रहे हैं आपको? अधिकारी ये कह रहे हैं कि जी काम हो जाएगा जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी इस काम के लिए। क्या मांग करते हो? हम ये मांग करते हैं कि जी पहले हमारे गाँव में जोड़ का काम हो जाओ जी, एक बारिश आता है जी गाँव का पानी जोड़ का पानी जी गाँव में बढ़ जाए जी सारा, फिर अधिक पूरे खेतों में पानी जाओ है जी, सारी फसल खराब हो जाओ जी। ये नहीं कि जी हम खेती नहीं बोते थे जी, गांव का काम नहीं, पूरे गांव का काम है जी, गांव की फसल खराब हो जी, बाहर का भी आदमी गांव में आवे जी, कितना बदला लगा जी, या अभी सोच को जी। गंदे पानी की निकासी है सिर्फ? कोई निकासी नहीं जी, गंदे पानी की निकासी जोड़ में है जी, गंदे पानी की निकासी को लेकर बैठे हैं? हाँ जी लेकर बैठे हैं जी। फिर ये क्या तरीका अपनाएंगे, टावर पे चढ़ जाएं तो सब सुन लेंगे? कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, क्या करें जी। अब तो मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि 2 घंटे तक अधिकारी जनता की सुनेंगे, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो वो सीएम से मिलें। फिर जी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, क्या करें जी। गांव के सरपंच और जिला परिषद कुछ कह नहीं रहे जी, मुकाल जी पार्षद ने तो फोन नहीं उठा जी, फोन बंद कर गया अपना। ये कब से बैठे हैं? ये आज सुबह बैठे हैं जी। क्या नाम इनका? राजेश कुमार। आप किसी से बातचीत हुई हो जी? अब क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी ये डिमांड है जी, हमारे गाँव में जो जोड़ है जी, इसका प्रबंध किया जाए जी, अच्छी तरह से जी। अब कैसे उतरेंगे ये, किससे मुलाकात? हमने निवेरा जी, प्रशासन कोई कितना है बड़ा हो जी, डीसी आओ, एसडी आओ, चाहे मुख्यमंत्री कोई आओ जी, पर जी जोड़ का इतना काम नहीं चालू होगा जी, इतना ही उतरा कौन है जी। आपकी बातचीत हुई? हाँ जी, मैं साथ हूँ जी उनके। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर बीडीपीओ पहुंचे, जिन्होंने कहा कि गांव में गंदे पानी की निकासी की समस्या है, ग्रामीणों द्वारा खेतों में पानी की निकासी का रास्ता दिया गया है, जिसके लिए सोनीपत डीसी ने भी आदेश दिए हैं कि अगर मशीन लगानी पड़े या कोई जनरेटर लगाना पड़े उसकी व्यवस्था सरपंच कर सकता है, जिसका भुगतान सरकार करेगी। अधिकारियों पर लगे आरोपों से बचते नजर आए, बीडीपीओ ने कहा कि मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है,
जोड़ के विषय में था, जोड़ का पानी और फ्लो रहा है या निकासी की समस्या है। निकासी क्योंकि लोग जो है खेतों में अपोज कर रहे हैं निकालने के लिए, और हमने सरपंच को भी कहा है और उपायुक्त महोदय ने पूरे जिले के अंदर 30 जून तक का टारगेट रखा, सबको कह रखा अभी किसी को पंप सेट की चाहे डीजल पंप की है चाहे इलेक्ट्रिकल पंप की उसकी आवश्यकता हो, अगर वो नहीं है तो ट्रैक्टर भी लगवा सकते हैं, उसके तक के रेट हमने फिक्स करवा रखे हैं और पॉपलिन के भी रेट जो है प्रशासन ने फिक्स किए हुए हैं। तो और पंचायत के पास फंड है और सरकार की जो ग्रांट है FFCA ग्रांट है चाहे SFC स्टेट फाइनेंस की है वो 20 पे फिट चार्ज है, वो आदमी 1.5-2 लाख रुपए तक खर्च कर सकता पानी निकासी के लिए जोड़ के नवीन। आरोप बड़े हैं अधिकारियों के पास, बार बार शिकायतें हो रही हैं और पर चढ़े कोई अधिकारी जागे ऐसा मेरे पास आप इनसे खुद पूछ लो, मेरे पास कोई नहीं आया है, ये खुद राजेश जी ने कहा आपके समक्ष, मैंने कह दिया है और मैं आज फिर कहना चाहता हूँ किसी की कोई भी ये समस्या का हल नहीं होता, समस्या को अगर आप वेट करें, और ये जिम्मेवार आदमी है, जिम्मेवार ये पंचायत समिति सदस्य है ठीक है, और इसने इस तरह कार्य किया तो मैं इसको अपने पर भी बड़े आरोप है सर। आपके सामने कहा है कि आपको बता दें कि ग्रामीण गंदे पानी के निकासी के लिए काफी परेशान हैं, वो खुद अधिकारियों के पास फरियाद लेकर जा चुके हैं लेकिन कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सूचना के बाद बहालगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राजेश से बात की गई, लेकिन राजेश ने कहा कि जब तक कोई उच्च अधिकारी आकर आश्वासन नहीं देगा वो टॉवर से नहीं उतरेगा। जिसके बाद BDPO मौके पर पहुंचे और राजेश को आश्वासन दिया तो वो कई घंटे के टॉवर पर बैठने के बाद नीचे उतरा। हालांकि अब देखना होगा कि हल कब तक निकलता है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।